अर्टिप्लेक्स कैप्सूल, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हिंदी में दी जाएगी। क्या डोज होता है, कितना दिन लेना चाहिए, कैसे इसका मॉलिक्यूल वर्क करता है, किस तरह की बीमारी में दिया जाता है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो आप अंत तक बने रहे, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो अर्टिप्लेक्स कैप्सूल के बारे में पहले जानते हैं। तो इसे जिस कंपनी द्वारा बनाया जाता है वह चारक फार्मा है, और इसका जो पैकेजिंग है वह 20 कैप्सूल का, कॉस्ट जो इसका है 157 रुपीज़ है, जो मार्केट में ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अंदर जो की इंग्रेडिएंट डाले गए हैं वह मजिस्ता है, हरिद्रा है, अमलाखी है, उसीर है और सुंथी डाला गया है। तो ये जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं ये नेचुरल इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। अब बात करते हैं इसे किस तरह की समस्या में दिया जाता है। जब आपको एलर्जी हुई रहती है, स्किन एलर्जी, तभी से दिया जाता है, और जैसे कि एक एंटीप्यूरेटिक के रूप में भी दिया जाता है, और इसका इस्तेमाल जो किया जाता है अर्टिकेरिया में, स्किन रैसेस में, एलर्जी में किया जाता है। क्रोनिक स्किन डिसीज रहती है जैसे कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और स्किन रैसेस है, या इचिंग रेडनेस आपको आया है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आपको कोई जैसा कीड़े वगैरह ने काट लिया है तभी भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। इसका जो कि एक इस्तेमाल तभी भी किया जाता है जैसे कि ब्लड प्यूरीफायर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपके ब्लड को साफ करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, और एक हिस्टामिन को, ज़्यादा हिस्टामिन रहती है आपके अंदर तो उसे, यानी आपको पित्त बढ़ जाती है तो उसे भी कम करने में हेल्प करता है, और इसका जो इचिंग रेडनेस रहता है हिस्टामिन की वजह से उसे भी ये कम करने में हेल्प करता है। ये घाव को ठीक होने में हेल्प करता है और स्किन को सूदिंग इफेक्ट देता है, और ये कंट्रोल करता है स्किन के जो स्ट्रेस रहते हैं उसे। तो अब बात करते हैं, आप जब इसे ले रहे हैं तो जैसे कि अगर आपको कहीं खुजली, रेडनेस, ईचिंग, इरिटेशन है, स्वेलिंग है, या जैसे कि आपको थोड़ा बहुत कट गए या जल गए, तो इसे आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। और इसका जो डोज रहता है ट्वाइस डेली डोज रहता है, और इसे मोस्टली जो कि खाना खाने के आधा एक घंटा बाद लिया जाता है, और इसे पहले भी ले सकते हैं। और जैसे कि सर आप लेना चाहते हैं तो इसे मैक्सिमम आपको 10 डेज तक लेना है, और उससे ज़्यादा लेना तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। यह वीडियो का एजुकेशन नॉलेज पर बच के लिए बनाई गई, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। खुद से लेंगे तो कुछ इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, आपको उल्टी आ सकती है, जी मचला सकता है, पेट में गैसेस बन सकते हैं, और जैसे कि आपको अपचन फील हो सकती है। तो अगर आप चैनल और वीडियो पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिसके मुझे आपकी हेल्प की काफ़ी ज़रूरत है। और जैसे कि आप फ्यूचर में अपडेटेड रहना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट है डायरेक्ट किसी वीडियो में पूछ सकते हैं।